आपने चुनी कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए, और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या विचार है आपके? देखिए, राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है। आपने चुनी कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए, और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अमित जी, कांग्रेस ने कहा है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिस्टोर करेगी अपने मैनिफेस्टो में। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो।
राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक्सरे की बात चल रहा है देश में, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या विचार है आपके? देखिए राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है।